यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मोड्स, हाउ टू एंटर इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर मोड्स टू इंटरनेशनल बिजनेस। कि अगर मान लो एक फॉर्म जब ये डिसाइड कर लेती है कि उसने इंटरनेशनल बिजनेस करना है, या उसको जो है वो अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके जो है वो बिजनेस एक्टिविटी को कनेक्ट करना है, तो अब उसके पास में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उन ऑप्शन के माध्यम से, उन ऑप्शन को सिलेक्ट करके एक फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो क्या करती है, एंटर करती है। अब कौन कौन से मोड्स आपके सामने अवेलेबल है उनके बारे में हम लोग जो है वो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो भी टोटल मिला के जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने के मोड्स है, उनको तीन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, तो एक एक करके हम जो है वो इनको जो है वो कवर करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं हाउ टू एंटर इन द इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसके लिए, इससे पहले एक चीज, कोई भी फर्म, जो कोई भी मान लो डोमेस्टिकली अगर मान लो आप काम कर रहे हो, तो आप ना सबसे पहले अगर आपको यह लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बढ़िया है, और आपको ये लगता है कि आपका स्कोप है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप काम करोगे तो आपको जो है अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो निकल के आएगा, या आपको एक अच्छा आरओआई जो है वो मिलने वाला है, तो एक फर्म जो है जब ऐसा सोच रही है, वो इवेल्युएशन कर रही है कि हाँ यार, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो फिर हमारा जो रिटर्न है वो बढ़ेगा, हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसके सामने कई सारे जो है वो मोड्स अवेलेबल है। लेकिन किस मोड का सिलेक्शन करना, उसके लिए फर्म पहले कुछ पैरामीटर्स है उनको जो है वो कंसिडर करती है। आइए थोड़ा बहुत उनके बारे में जो है चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोड्स ऑफ एंट्री की आज हम जो बात करने वाले हैं। अगर मान लो एक फर्म जब वो ये डिसाइड कर लेती है कि देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैं पहले ओनली इंडिया के अंदर काम कर रहा था, मेरा एक मान लो कोई भी मेरा काम है, क्या शुरू करें, मान लीजिए ये पेन बनाने का मेरा जो है वो काम है, ठीक है, और ये पेन मैं इंडिया के अंदर बना बना के जो है बेचता था पहले, ओके, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बाहर से भी मेरा पेन, ये जो पेन है मैं जो मैं इसको बना, जो ये डिजिटल पेन है, ये पेन मेरा बाहर भी बिक जाएगा। अगर मुझे ऐसा आभास हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मतलब बाहर से भी जो है प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, तो अब मुझे लग रहा है यार मेरा सामान ये बाहर भी बिकेगा, इसका मतलब मुझे मेरी मार्केट को जो है वो क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। ओके, तो अगर मुझे मेरे मार्केट को ग्रो करना है, तो अगर मैं इस पेन को इंडिया में तो बना रहा हूं, इंडिया में इसको मैं सेल भी कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं साथ में इस पेन को अब मैं यूएसए के अंदर बेचना चाहता हूं, या इसको जो है मैं कनाडा में बेचना चाहता हूं, तो वहां पे बेचने के लिए मैं इस पेन को कैसे वहां तक पहुंचाऊं, कैसे मैं एंड कस्टमर तक पहुंचाऊं, उसके लिए मेरे पास में एंट्री के कई सारे मोड अवेलेबल है। अब एक ऑप्शन तो सिंपल सा, जो आप बोल दो कि सर इसको एक्सपोर्ट कर दो, बाहर वाला कस्टमर जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो पेमेंट डाल देगा, आप उसको ये सामान जो है वो क्या कर देना, एक्सपोर्ट कर देना, एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका और भी है कि मैं इस पेन को मान लो अगर मेरे को यूएसए के अंदर ये बेचना है, तो मैं यूएस में जाके ही अपने इस फॉर्मूला के थ्रू इस पेन को बनाना वहां पर स्टार्ट कर दूं, और वहीं पर उसको बेचना स्टार्ट कर दूं, एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से एक फर्म के पास में इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने के लिए कई सारे ऑप्शन जो है वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनको बेसिकली मोड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोड्स, क्या बोलेंगे, मोड्स बोलेंगे, मतलब कौन कौन से वेज आपके पास में अवेलेबल है जिनके माध्यम से आप लोग जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर उसी को जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके जी, लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दो। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हम ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, उनका जो है कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा। सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस में सारा स्टडी मटेरियल जो है वो हार्ड कॉपी में, जैसे अभी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का बुक है। इस तरीके से आपको सारी किताबें जो है वो आपके होम एड्रेस पे अवेलेबल हो जाएंगी, प्लस में आपको जो है बुक्स के साथ में वीडियो लेक्चर लाइक दिस, ये सब आपको एप्लीकेशन के अंदर अरेंज ऑर्डर के अंदर मिलेगा। प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज, और साथ में रिवीजन करने के लिए हर यूनिट के सेपरेट रिवीजन वीडियोस, वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, बोलता है इंटरनेशनल मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हमको एक वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। देखो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या होता है, आपका एरिया जो है वो लिमिटेड है, बट इंटरनेशनल मार्केट अगर आप जो है वो अपने बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाओगे तो बहुत सारे देश आपके सामने हैं जहां पर जाके आप अपने सामान को जो है वो क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो मेन बात जो है वो क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो आपको एक वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। लेकिन अब देखो, अगर वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो साथ में रिस्क फैक्टर भी वहां पर जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व
कंट्रोल्ड होता है। तो क्या बोलते हैं, बट ग्लोबल बिजनेस इज मोर रिस्कियर, क्योंकि देखो आपको अपने एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज है, आपको अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में नॉलेज है, बट विदेशी गवर्नमेंट के बारे में, विदेशी एनवायरमेंट के बारे में आपको पूरी इनडेप्थ नॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मानता हूं कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंगेज होते हो तो आपको वहां से अच्छा प्रॉफिट होगा। मानता हूं इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होगे तो आपका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, आपकी जो ख्याति है, आपकी जो गुडविल है वो बढ़ेगी, बट उसके साथ में आपको जो है वो रिस्क जो है वो भी क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। अब फर्म जो डिसाइड करती है, फर्म ये देखती है कि अगर मान लो हम बाहर जाके बिजनेस ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे तो अपने अपने को जो है वो कितना वहां से रिटर्न मिलेगा और कितना अपने को रिस्क उठाना पड़ेगा। तो वहां पे बेसिकली रिस्क रिटर्न जो है उसको ट्रेड ऑफ करने का प्रयास किया जाता है। मतलब एक फर्म जो है वो ये देखती है कि रिस्क कितना और रिटर्न कितना। अगर मान लो रिटर्न जो है वो रिस्क को अगर जो ओवरवे कर जाए, इसका मतलब ये कि रिटर्न बाहर अगर मैं काम करना शुरू करूंगा रिटर्न ज्यादा है और रिस्क जो है वो क्या है कम है, तो हम डेफिनेटली जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो करना क्या करेंगे स्टार्ट। लेकिन अगर मान लो हमने ये सब जो है वो क्या किया, इवेल्युएशन किया, और इवेल्युएशन के अंदर अपने को ये पता चला कि भैया इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने पर रिस्क जो है वो तो क्या ज्यादा है लेकिन रिटर्न नहीं आएगा इतना, रिस्क ज्यादा है, तो हम कभी भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो एंगेज नहीं होंगे। तो अगर कोई भी फर्म जब ये डिसाइड करती है कि उसको बाहर जाना है तो बाहर जाने से पहले वो बेसिकली क्या करती है, इवेल्युएशन करती है, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के क्या करती है, अपना इवेल्युएशन करती है, मार्केट को इवेल्युएट करती है, मार्केट का एनालिसिस करती है, और वहां से उसको पता चलता है कि कितना रिस्क और कितना रिटर्न। तो अगर रिटर्न ज्यादा है तो डेफिनेटली फर्म जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंगेज होगी ही होगी। तो बोलते हैं हाउएवर द फर्म प्रेफर करती है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होगी इफ द परसीव्ड बेनिफिट, अगर बेनिफिट जो है वो क्या कर जाए, आउटवे कर जाए किससे, एंटिसिपेटेड रिस्क से। तो इसका मतलब अगर बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क जो है वो क्या है कम है, तो बट नेचुरली कि फर्म जो है वो क्या करती है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो एंगेज होना स्टार्ट करती है। जो भी कंपनी जब ये सोचती है कि वो फॉरेन मार्केट में जाके अपना बिजनेस ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगी तो उनके सामने कुछ ना कुछ जो है वो क्या आती है, पेचीदगियां आती है। ठीक है, व्हाइल डिसाइडिंग द मेथड ऑफ एंट्री, कि भाई किस मेथड के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम लोग जो है वो क्या एंटर करें। मतलब अब देखो बाहर जाने के कई सारे मेथड है, एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आपको अपने घर से कॉलेज जाना है तो आपके पास क्या क्या मोड्स अवेलेबल है मुझे ये बताओ। सर अगर मुझे मेरे घर से कॉलेज जाना है तो या तो मैं पैदल जा सकता हूं, ओके, या आप जो है वो ऑटो करके जा सकते हो, ओके, या आप कैब करके जा सकते हो, ओके, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मान लो बस से जा सकते हो, ओके, या फिर आप खुद के व्हीकल से जा सकते हो, खुद की स्कूटी से जा सकते हो, यस, खुद की गाड़ी से जा सकते हो, यस, नहीं तो फ्रेंड को बोल सकते हो, यस, क्या लिफ्ट ले सकते हो, यस। अब ये देखो अपने घर से कॉलेज जाने का कितने सारे मोड आपके पास में अवेलेबल है, नंबर ऑफ मोड आपके पास में अवेलेबल है, बट यहां पे अब आपके सामने जो है एक डिलेमा आ गया, अब आप जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूजन आ गई है कि यार इतने सारे मोड मेरे पास में अवेलेबल है जिनके माध्यम से मैं मेरे घर से कॉलेज जा सकता हूं, बट द क्वेश्चन इज कौन सा मोड मेरे लिए जो है वो क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, किस मोड से मुझे जो है वो कॉलेज जाना चाहिए। अब वो जो समस्या है, वो जो पेचीदगी है ना, अब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ फैक्टर है जो आप कंसिडर करोगे। अगर जल्दी जाना है आपको, बाइक उठाओ निकल जाओ, क्योंकि कैब बुलाओगे कैब का वेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओगे तो वो आराम आराम से रुक के जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो सीधा बाइक उठाओ और भाग जाओ, अगर आपको लेट पहुंचना है आराम से पहुंचना तो आप पैदल भी जा सकते हो। तो ये सब क्या है, दीज आर नोन एज अ फैक्टर, जिनको आप कंसिडर करते हो डिसाइड करने में कि किस मोड को हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं, कंपनी जो भी कंपनीज जो डिजायर करती हैं, जो ये सोच रही है कि वो एंटर करेंगी फॉरेन मार्केट में, वो फेस करती है डिलेमा व्हाइल डिसाइडिंग द मेथड ऑफ एंटरिंग इनटू अ गिवन ओवरसीज लोकेशन। तो जो भी ओवरसीज लोकेशन, जो भी फॉरेन मार्केट है, वहां पे एंटर करने के लिए एक फर्म जो है उसके सामने कई सारी समस्या है, उसके फर्म के सामने कई सारे मोड हैं। अब फर्म वहां पे कंफ्यूज है कि किस मोड को हम लोग जो है वो क्या करें, यूज करें। अब किस मोड का सिलेक्शन करना है, उसके लिए जो है फर्म बेसिकली कई सारे फैक्टर को कंसीडर करती है। अब उनमें से कुछ मेन फैक्टर उनको हम पढ़ते हैं। देखो, कंपनी कैन रिड्यूस द डिलेमा, अ कंपनी इस जो ये कश्मकश है, कंपनी इस कश्मकश को थोड़ा रिड्यूस कर सकती है, और कंपनी डिसाइड करे मतलब किस मोड को हम यूज करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए, उसके लिए कंपनी कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करती है। तो बोलते हैं कंपनी कैन रिड्यूस द डिलेमा बाय एनालाइजिंग द डिसीजन फैक्टर। अब वो कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहला ओनरशिप एडवांटेज। अगर कंपनी को यह लगता है कि विदेश के अंदर जाके वहां पे अपनी यूनिट खुद एस्टेब्लिश करके अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है तो कंपनी जो है वो क्या करेगी, एफडीआई को यूज करेगी। कंपनी वहां पे जो है वो क्या एक्सपोर्ट नहीं करेगी। अगर कंपनी को ये लग रहा है यहां से सामान भेजना मुश्किल है लेकिन वहीं पे जाके अगर खुद बना लेंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो कंपनी सबसे पहले कंसीडर करती है कि क्या ओनरशिप एडवांटेज है या नहीं है। अगर ओनरशिप एडवांटेज है तो कंपनी जनरली एफडीआई को जो है वो क्या करेगी, कंसीडर करेगी। फिर कंपनी जो है वो लोकेशन एडवांटेज भी देखती है। कंपनी ये देखती है कि अगर मान लो हम वहीं पे जाके होस्ट कंट्री में, देखो मैं इंडिया का हूं तो इंडिया मेरे लिए होम कंट्री है, और अगर मैं
अपना काम इंडिया से अब यूएस में भी करना चाहता हूं, तो यूएस से मेरे लिए क्या होगी, होस्ट कंट्री। तो अगर मुझे यह लगता है कि यूएसए के अंदर जाके होस्ट कंट्री में जाके काम करना, उससे मुझे लोकेशन बेनिफिट मिलेगा। लाइक मान लो वहां पे चीपर लेबर है, लाइक मान लो वहां पे चीपर रॉ मटेरियल है, लाइक वहां पे जो है वो टैक्स रेट जो है वो बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है वो बहुत ही क्या कम है, लाइक वहां की गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवा रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इंडिया में सामान बना के वहां बेचूंगा या मैं वहीं पे बना के वहीं बेचूंगा? सर आप बट नेचुरल है सर, अगर एडवांटेज आपको वहीं बनाने में तो वहीं से आप जो है वो बेच सकते हो। तो एक एडवांटेज और भी हम चेक करते हैं, दैट इज अ लोकेशन एडवांटेज। तीसरा जो है वो है इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज। देखो हम लोगों ने जब स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक डोमेस्टिक कंपनी जो है वो एक रूट को क्लियर करती है, सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी होती है, फिर होते इंटरनेशनल कंपनी, फिर तीसरा हमने जो है वो पढ़ा था एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, फिर हमने पढ़ा कौन सा ग्लोबल, और फिर पांचवें नंबर पे आया कौन सा टीएनसी, ये हमने पढ़ा। तो अगर मान लो कोई फर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको आप ओनली इंटरनेशनल फर्म बोलोगे, उसको एमएनसी नहीं बोलोगे। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फर्म इंडिया में है और इंडिया के अंदर है कि जो है वो क्या कर रही है, काम कर रही है और अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट करती है, उसकी बाहर कोई कमर्शियल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है ना, अगर उसने बाहर एफडीए नहीं लगाया, कोई कंट्रोल बाहर नहीं है, तो हम उसको ओनली एक इंटरनेशनल फर्म ही ट्रीट करते हैं, उसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कभी भी नहीं ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो फर्म वहां पे ये भी डिसाइड करती है कि अगर मान लीजिए हम बाहर जाते हैं, ठीक है, और बाहर हम किसी इंटरमीडिएटरी की मदद ना ले, अगर खुद से जाए तो हमको एडवांटेज है या नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज, जिसको बोलते हैं दीज आर दोज एडवांटेज दैट अ कंपनी गेट बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और रेंटिंग सर्विस इन होस्ट कंट्री बाय इटसेल्फ रादर देन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विद द कंपनी इन द होस्ट कंट्री। तो अगर मैं डायरेक्टली वहां पर जाकर काम करूंगा तो मुझे क्या एडवांटेजेस है, तो अगर मुझे एडवांटेज है तो हम क्या करेंगे, एफडीआई लगा देंगे, हम वहां पर असेंबली ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे, और अगर एडवांटेज नहीं है तो आप ओनली एक्सपोर्ट करके ही काम चला सकते हो। तो जब कभी भी अगर कोई फर्म ये डिसाइड कर रही है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो क्या करना है, एंटर होना है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो काम करना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए वहां पे एंट्री के कई सारे मोड आपके पास में जो है वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो किस मोड को सिलेक्ट करना है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स है जो हम कंसिडर करते हैं। अब हम लोग जो है वो बात करेंगे हमारे मोड्स के बारे में कि कौन कौन से मोड्स हमारे पास में जो है वो क्या अवेलेबल है। बहुत सारे इधर नंबरस मोड जो हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, बट उनको तीन पार्ट में जो है वो क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। वो तीन पार्ट कौन कौन से, आइए देखते हैं। देखो हाउ टू एंटर इन द इंटरनेशनल बिजनेस, तो बोलता है मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक तो है आपका ट्रेड रिलेटेड मोड, जो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन तीन बार से लगातार यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको हम जो है वो आज के वीडियो में कवर करेंगे। एक होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मोड और एक होते हैं कौन से, इन्वेस्टमेंट मोड। तो तीन तरह के मोड आपके पास में जो है वो अवेलेबल है, एक है ट्रेड रिलेटेड मोड, एक है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड और एक है कौन सा, इन्वेस्टमेंट मोड। ये तीन तरह के जो मोड आपके पास में अवेलेबल है, इन तीन मोड को यूज करके एक कंपनी जो है वो क्या करती है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होती है, एंगेज होती है। तीनों मोड का अपना जो है वो कुछ एडवांटेजेस है, तीनों मोड के अपने कुछ क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो कंपनी को जो सही लगेगा, कंपनी उस मोड को जो है वो सिलेक्ट करके और फॉरेन मार्केट के अंदर जो है वो एंटर कर जाएगी। आइए आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है कौन सा, ट्रेड रिलेटेड मोड। ट्रेड रिलेटेड मोड में टोटल मिला के चार तरह के मोड पड़ेंगे, एक तो आएगा एक्सपोर्ट, एक आएगा आपका पिगी बैकिंग, एक आएगा आपका काउंटर ट्रेड, जिसमें छह तरह के मोड आएंगे, और एक आएगा आपका कौन सा, ई कॉमर्स, ठीक है। एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं भाई ट्रेड रिलेटेड मोड होते कौन से हैं। तो ट्रेड रिलेटेड मोड व्यापार संबंधी, ठीक है ना, ट्रेड रिलेटेड मतलब व्यापार संबंधी। तो ऐसे मोड्स, ऐसा रास्ता जिसके अंदर, जिस रास्ते से हम लोग, मतलब अगर हम इस रास्ते को सिलेक्ट करते हैं तो इस रास्ते में कुछ ना कुछ तरीके का क्या होगा, व्यापार होगा, गुड्स का जो है वो क्या होगा, लेन देन टाइप सा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रेड रिलेटेड मोड। तो अगर कोई कंपनी पहली बार इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होना चाहती है तो वो कभी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट मोड को सिलेक्ट नहीं करती है। आप खुद बताओ एक बार, अगर मान लो आपको जो है, आप अभी रहते हो मान लो प्लेन्स में, ठीक है, जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, प्लेन्स में रह रहे हो, और अगर आपका मन बहुत कर रहा है हिली एरिया पे जाने का, ठीक है, तो अगर आप जो है वो ये सोच रहे हो कि यार मैं ना पहाड़ों में जाके बस जाऊं, तो क्या आप सीधा अपना दिल्ली में घर बेच, आपके मन में सिर्फ आया, तो क्या आप सीधा दिल्ली के अंदर अपना घर बेच के और क्या सीधा हिमाचल शिफ्ट हो जाओगे क्या? या आप एक बार ये देखोगे कि नहीं यार एक काम करते हैं, मेरे मन में तो बहुत आ रहा है कि मैं पहाड़ों में शिफ्ट हो जाऊं, मैं एक बार जाके देख तो लूं कि क्या मैं पहाड़ों में रह भी सकता हूं या नहीं रह सकता,
है या नहीं है? तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप वहां पे जाके मान लो पीजी ले लोगे, या वहां पे जाके आप एक दो महीने के लिए किराए पे घर ले लोगे, ताकि मैं एक बार रह के देख लूं, अगर मुझे लगता है कि मैं वहां सर्वाइवल मेरा अच्छा हो जाएगा तो मैं अपना ठीक है यहां से सब बेच बुच के वहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो अगर कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम ये जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होती है, फॉरेन मार्केट के अंदर घुसती है, तो वो कभी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट मोड पे नहीं जाती है। कंपनी सबसे पहले इन्हीं मोड्स का जो है वो क्या लेती है, सहारा लेती है। तो ये बेसिकली एंटरिंग मोड है, ठीक है ना, ये क्या है, दीज आर द एंटरिंग मोड, ये स्टार्टिंग होती है बिल्कुल ही। इंटरनेशनल बिजनेस में जब भी कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करना स्टार्ट करती है तो जनरली वो इस तरह के मोड्स को जो है वो क्या करती है, यूज करती है स्टार्टिंग में। ओके, तो कौन से ट्रेड लीड मोड, आइए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। बोलते देखो एक्सपेंशन मोड, एक्सपेंशन मोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन मार्केट में जाके काम करोगे तो क्या आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, नहीं होगा, होगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन मोड। एक्सपेंशन मोड्स डेट एम्प्लॉय सम फॉर्म ऑफ ट्रेड, ऐसे मोड जिनमें कुछ ना कुछ तरीके का क्या होता है, ट्रेड होता है, टू एक्सपेंड बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री आर नोन एज द ट्रेड रिलेटेड मोड, एज फाइनेंशियल नीड एंड रिसोर्सिस कमिटमेंट आर लेस, क्योंकि इस तरह के मोड में फाइनेंशियल नीड भी बहुत ही क्या होती है, कम। देखो अगर आप विदेश में जाके वहां पे अपने खुद की यूनिट एस्टेब्लिश करोगे तो बहुत सारा पैसा आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर कुछ नहीं करना, एक्सपोर्ट में तो अपने यहीं पे सामान बनेगा, बस अपने को क्या करना है, एक इंटरमीडिएट ढूंढना है और उसके थ्रू सामान को बाहर क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही क्या होती है, निल या बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एज फाइनेंशियल नीड और जो रिसोर्स कमिटमेंट है वो बहुत ही क्या होते हैं, लेस होते हैं। रिस्क एक्सपेंशन, ये एक तरीके का क्या है, ये एक ऐसा एक्सपेंशन मोड है जिसमें रिस्क बहुत ही क्या होता है, लो होता है। हाईली सुटेबल है फॉर किसके लिए, साइमल्टेनियस एक्सपेंशन इन ज्योग्राफिकली डाइवर्स कंट्री, अगर मान लो एक ऐसी कंट्री जो आपके एरिया से बहुत ही दूर है, ठीक है ना, तो ऐसी कंट्री में अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर आप बेसिकली इस तरह के मोड का सहारा ले सकते हो। ट्रेड रिलेटेड मोड आर अडॉप्टेड इन द इनिशियल फेज, तो जब कोई कंपनी जो है वो इंटरनेशनल कंपनी बनने की सोचती है तो इनिशियल जो फेज होता है एंट्री करने का फॉरेन मार्केट में वो कौन सा है, ट्रेड रिलेटेड मोड है। मोर ओवर द लो एग्जिट कॉस्ट एड फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरा अगर कल को आपको इंटरनेशनल बिजनेस नहीं जमा तो आप एक्सपोर्ट करना बंद कर देना, क्या आपको कुछ घटेगा क्या, लेकिन अगर मान लो आपने बाहर पहले अपनी यूनिट एस्टेब्लिश कर ली, अब वहां पर आपका बिजनेस नहीं जमा, अब वहां पर उस यूनिट को बेचना, क्या पता कोई परचेजर ही ना मिले आपको, कोई बायर ही ना मिले, जो मशीन आपने वहां पे लगाई थी उसको कोई खरीदने वाला ना मिले, तो क्या लॉस हो सकता है क्या, यस। इसीलिए स्टार्टिंग जब होती है ना तो जनरली जो भी कंपनीज होती है वो ट्रेड रिलेटेड मोड को ही जो है वो क्या करती है, यूज करती है, क्योंकि यहां पे जो है वो क्या होती है, लो एग्जिट फ्लेक्सिबल, लो एग्जिट कॉस्ट होती है। इसका मतलब अगर कल को आप बिजनेस बंद भी करना चाहते हो तो आपको ज्यादा जो है वो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और आपको कोई लॉस बियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वाइंड अप बिजनेस ऑपरेशन इन वन कंट्री एंड स्विचिंग ओवर टू अनदर एक्सपेंशन मोड, हाउएवर ए फर्म हैज टू सब्सटेंशियली, लेकिन ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर आपका कंट्रोल बहुत ही क्या होता है, कम होता है, और आपको एक्सटर्नल एजेंसीज के ऊपर जो है वो क्या होना पड़ता है, उनके ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या बोलता है, हाउएवर ए फर्म हैज टू सब्सटेंशियली डिपेंड होना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल एजेंसी पे फॉर इट्स इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन, हाउएवर ट्रेड रिलेटेड मोड मेंटेन करते हैं कंसिडरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनेशनलाइजिंग फर्म एंड द टारगेट कंट्री मार्केट, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि इन मोड के जरिए आपको जो है वो फॉरेन मार्केट को ज्यादा समझने का जो है वो नीड भी नहीं है और आपको जो है एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलेगी भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप उस कंट्री में गए नहीं हो, आप यहीं से बैठ के बस उनके साथ में क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आपको क्या पता कि वहां पर क्या चल रहा है, यस और नो, यस। तो इसीलिए ये बेसिकली इनिशियल फेज होता है इंटरनेशनलाइजिंग का, ठीक है ना। तो कोई भी फर्म जब फॉरेन मार्केट में एंटर करने की सोचती है तो सबसे पहले वो इन मोड्स का ही जो है वो सहारा लेती है। अब ट्रेड रिलेटेड मोड में टोटल मिला के चार तरह के मोड अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है वो है कौन सा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट का मतलब बेसिकली जो है वो क्या होता है कि अपने कंट्री के अंदर गुड्स को बना के या किसी भी थर्ड कंट्री में गुड्स को बना के, मतलब मैंने इंडिया के अंदर गुड्स को बनाया और बना के उसको जो है इंडिया के अलावा किसी कंट्री में जाके क्या कर दिया, सेल कर दिया, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बेसिकली जो है वो सबसे पहला ट्रेड रिलेटेड मोड का एक तरीका है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है वो क्या है आपका, एक्सपोर्ट। जनरली कोई भी कंपनी जो पहले इंडिया में सिर्फ काम करती थी, अब वो अगर ये सोच रहे कि हम विदेश में भी काम करेंगे, तो कंपनी सबसे पहले इन मोड का ही सहारा लेती है। कंपनी ये देखती है, एक्सपोर्ट करके देखते हैं एक बार, अगर काम अच्छा चलेगा तो हम वहां पर जाके भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दो तरीके के होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक्सपोर्ट क्या होता है उसको पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट में भी डिफाइंड एज मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इन द होम कंट्री। एक्सपोर्ट क्या होता है, जिसमें हम लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे कहां पे, अपनी कंट्री
कंट्री में या किसी भी थर्ड कंट्री में, और उसको बेचेंगे कहां पे, जिस कंट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हुए उसके अलावा किसी नेशन में। मैं इंडिया का हूं, मैंने इंडिया में सामान बना के यूएस बेच दिया, ये भी एक्सपोर्ट है। मैं इंडिया का हूं, मैंने सामान बनाया रशिया में क्योंकि वहां पे सस्ता बन रहा था, और वहां से सामान यूएस बेचा, वो भी क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या, एक्सपोर्ट में भी डिफाइंड एज मैन्युफैक्चर करना गुड्स इन द कहां पे, होम कंट्री में या किसी भी थर्ड कंट्री में, और उसको शिप करना, बोल तो भेज देना फॉर सेल के लिए टू ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आर यूज एज स्ट्रेटेजिक ऑप्शन टू डिस्पोज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन। जनरली कंपनीज एक्सपोर्ट को क्यों यूज करती है, कई बार ना हमने डोमेस्टिकली 1000 क्वांटिटी ही बिकनी थी, ये जो पेन की अपने इंडिया में सिर्फ 1000 क्वांटिटी बिकनी थी, हमसे बन गई 1200। अब 200 जो एक्सेस है ना, उनको बेचने के लिए कंपनी जनरली एक्सपोर्ट कर देती है, ठीक है ना। उन एक्सेस जो प्रोडक्शन आपने कर दिया, उसको वो जो सरप्लस आपके पास अवेलेबल है उसको बेचने के लिए कंपनी क्या करती है, जनरली एक्सपोर्ट जो है उस इस मोड को जो है वो क्या करती है, यूज करती है। अब देखो बोलते हैं जो ये मोड है ना एक्सपोर्ट, जो छोटी फर्म है जो बिचारी बाहर जाके अपना खुद की यूनिट एस्टेब्लिश नहीं कर सकती, वो जनरली इस मोड को यूज करती है। तो क्या बोलते हैं, स्मॉल फर्म विद लिमिटेड फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज फाइंड एक्सपोर्ट द मोस्ट सुटेबल इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन मोड। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना, कि जो भी छोटी फर्म्स होती है ना, तो जनरली वो इसी मोड का जो है वो क्या करती है, सहारा लेती है, ठीक है ना, क्योंकि वो बेचारे बाहर तो नहीं जा सकते, तो इसलिए वो जनरली इसी मोड को जो है वो क्या करती है, यूज करती है। तो ये देखना, स्मॉल फर्म विद लिमिटेड फाइनेंशियल, ऐसी कंपनी जिनकी फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्स जिनके पास में क्या है, बहुत ही कम है, तो वो जनरली इसी मोड को जो है वो क्या करती है, यूज करती है। आगे, इवन द लार्जर फर्म, और जबकि बड़ी कंपनी भी जो है ना वो भी ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया अगर आपको हिमाचल शिफ्ट होना है, चाहे पैसा कितना ही हो, क्या सीधा वहां पर जाके घर ले लोगे क्या, नहीं, पहले आप एक बार किराए पर रह के देखोगे या पीजी में रह के देखोगे, ठीक है ना, कि भाई हम रह भी सकते हैं नहीं रह सकते हैं। तो बड़ी कंपनी भी जो है ना वो पहले क्या फॉरेन मार्केट में जाके इवोल्यूशन करती है, मार्केट का एनालिसिस करती है और देखती है एक बार एक्सपोर्ट करके कि मेरा सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। अगर लगता है बिकेगा तो हम वहां पर जाकर अपनी यूनिट को एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो बोलते हैं इवन लार्जर फर्म, जबकि बड़ी कंपनी भी जो होती है ना वो भी एक्सपोर्ट को यूज करती है एज ए एंट्री मोड विच इज सुटेबल अंडर द सिचुएशन लाइक प्राइमरी असेसिंग द पोटेंशियल फॉर द न्यू मार्केट। हम ये अगर अपने को ये देखना है कि नई मार्केट में कितना पोटेंशियल है, उसके लिए जनरली हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं कहां से, एक्सपोर्ट से, या कंट्री विद रिलेटिव स्मॉलर मार्केट पोटेंशियल और इनफ्रीक्वेंट डिमांड पैटर्न। फिर अगर हमने ये देखना है कि डिमांड पैटर्न कैसा है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक्सपोर्ट को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बात आती है एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तो वो दो तरीके से, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, अगर फॉरेन में जिस पर्सन को सामान चाहिए अगर वो डायरेक्टली आपके कॉन्टेक्ट में है तो उसको बोलते हैं, मतलब जब आप डायरेक्टली उसी पर्सन को सामान, मतलब जो इंपोर्टर है डायरेक्टली उसको सामान पहुंचा रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं पता कि आपके सामान के इंपोर्टर कौन है, तो आप इंटरमीडियरी की मदद भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप कई सारी फर्म्स होती हैं जो बेसिकली इंडिया से सामान को क्या करेंगे, खरीदेंगी और विदेशियों में जाके जो है वो क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इसको ये भी एक तरीके का क्या, एक्सपोर्ट है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो सिंपल सी बात समझना, मैं मान लीजिए ये पेन बना रहा हूं, और अगर इस पेन का, ये एप्पल का पेन है, और अगर इस पेन का यूएस के अंदर कोई पर्सन यूजर है, मान लीजिए जिसको ये पेन चाहिए, आप मान लो आप यूएस में बैठे और आपको ये पेन चाहिए और मेरा आपसे डायरेक्टली नेगोशिएशन हो रहा है, तो अगर मैं डायरेक्टली ये पेन आपको भेज रहा हूं, दिस इज नोन एज अ, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। लेकिन अगर मान लो मुझे आपको इस पेन की नीड है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंडिया में इस पेन को कौन बना रहा है, और मुझे ये नहीं पता कि आपको इस पेन की नीड है, ठीक है, हम दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक इंटरमीडियरी, कुछ एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, मैं उनको जाके बोलूंगा कि भैया मैं ये पेन बनाता हूं और ये यूएस के अंदर बिक सकता है, आप देख लो, अगर नीड हो तो मुझे पूछ लेना। अब जो इंटरमीडिएट है उसकी नॉलेज सबको है, ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, अगर आपको ये पेन इंडिया से चाहिए तो आप मुझे तो नहीं जानते हो, लेकिन आप जो इंटरमीडिएट है, जो एक्सपोर्ट हाउसेस है, उनसे आप बात करोगे कि मुझे ये पेन इंडिया से चाहिए, ठीक है, मैं इसको बनाने वाला, आप इसको खरीदने वाले, अब इंटरमीडिएट क्या करेगा, वो मुझसे पेन खरीदेगा और आपको ये पेन क्या कर देगा, बेच देगा। तो अगर बीच में मीडियोकर की हेल्प ली जाती है एक्सपोर्ट करने के लिए, इंटरमीडिएट की मदद से अगर एक्सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। आइए पढ़ते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक है कौन सा, इनडायरेक्ट। सबसे पहले नंबर पे आया कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो ये क्या है, व्हेन ए फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू एन एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी, जब किसी एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी की मदद से अगर एक फर्म जो है वो क्या करती है, सामान को बेचती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट।
ठीक है, इसके अंदर फर्म जो है उसको एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एक इंटरमीडियरी होगा मेरी कंट्री के अंदर, मैं उसको अपना ये पेन सारे बेच दूंगा, वो आगे कैसे बेचे कुछ भी करे मुझे से लेना देना नहीं है, मैं उसको पेन बेचूंगा और उससे पैसे ले लूंगा। दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। अब इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि मुझे आपके टेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने सामान बेचा इंटरमीडियरी को और इंटरमीडियरी अब आपको सामान बेचेगा, आप तो यूएस बैठे हो, मैंने मेरे इंटरमीडिएट को सामान बेच दिया और इंटरमीडिएट अब आपको सामान जो है वो क्या करेगा, बेचेगा, तो आपसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसके बारे में जो है वो आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी। ये इसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या, फीडबैक फ्रॉम द अल्टीमेट कस्टमर, जो अल्टीमेट कस्टमर है उससे जो फीडबैक है वो आपको बहुत ही लिमिटेड मिलता है, बिकॉज सेल इंटरमीडिएट के थ्रू की जाती है। दूसरा, कमीशन एंड अदर चार्जेस वो बहुत ही क्या आते हैं इसमें, ज्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको बेचता तो मुझे बीच में इंटरमीडिएट को ना लेना पड़ता, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि मैं आपको नॉलेज नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं आपके बारे में, तो अब मैं अगर आपको सामान बेचना चाहता हूं, मतलब विदेशी विदेश में अगर सामान एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इंटरमीडिएट मत लूंगा, वो मुझसे क्या लेंगे, कमीशन लेंगे। तो ये इसकी जो है वो क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं आप मेरा और आपका डायरेक्ट जो है वो क्या हो गया, नेगोशिएशन हो गया, और मैं अगर बिना किसी इंटरमीडिएट की मदद से डायरेक्टली आपको सामान जो है वो क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या है, व्हेन ए कंपनी मेक इट्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द फॉरेन मार्केट विदाउट एम्प्लॉइंग एनी मार्केट इंटरमीडिएट, जब मैं बिना किसी इंटरमीडिएट की मदद से अपना सामान आपको क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका क्या, एक्सपोर्ट, ठीक है ना, जो सबसे पहला ट्रेड रिलेटेड मोड है वो क्या है, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट जो नहीं, दो तरह के हैं, एक है आपका डायरेक्ट और एक है कौन सा, इनडायरेक्ट, यहां तक ओके, यस सर। दूसरा जो तरीका आपके पास अवेलेबल होता है वो है आपका पिगी बैकिंग। क्या है पिगी बैकिंग, पिगी बैकिंग इसको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट भी बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देना। मान लीजिए आप यूएस के अंदर हो, ठीक है, आप हो यूएसए के अंदर, ओके, और मैं रहता हूं कहां पे, इंडिया में, ओके, और मेरा जो है मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू, आपका वहां पे स्टेशनरी का काम है, आपका वहां पे जो है वो क्या है, स्टेशनरी का काम है, ठीक है। अब आप वहां पे एक आपका बहुत, मतलब आप जो है वो बेसिकली क्या करते हो, पेंसिल में डील करते हो, आप वहां पे पेंसिल बना बना के जो है बेचते हो, और आपका बहुत बड़ा नाम है वहां पे, ठीक है ना, तो दूर दूर से लोग आपको जानते हैं, पूरे यूएस के अंदर आपके एकदम बढ़िया वाली, जैसे अपने यहाँ पे नटराज हो गया, अप्सरा हो गया, डोम्स हो गया, इनकी मार्केट है, उसी तरीके से आपकी वहां पे मान लो तो मार्केट है बहुत बढ़िया वाली, आपको सब जानते हैं, लेकिन आप पेन के अंदर जनरली डील नहीं करते। अब ये कहीं ना कहीं रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्या पेंसिल और पेन रिलेटेड प्रोडक्ट है या नहीं, सर रिलेटेड है, लेकिन आप पेन के अंदर डील नहीं करते, ठीक है। अब मैं इंडिया में रहता हूं और मैं बेसिकली ये इस तरह के पेन बनाता हूं, मेरा काम जो वो क्या है, पेन बनाने का, ठीक है, और मैं ये पेन बना बना के यूएस में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, और आप ये पेन बनाते नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको फोन किया, मैंने कहा हेलो, अब बोले हाँ जी, मैंने कहा देखो यार ऐसा है, मैं एक पेन बनाने वाला बंदा हूं, मैं इंडिया के अंदर ये पेन बना बना के बेचता हूं, और मेरे इस पेन की आपके यूएस में बहुत अच्छी मार्केट है, मतलब मैंने एनालिसिस किया है और मेरे पास अच्छी डिमांड भी आई है, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली वहां के लोगों को ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री के अंदर हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के एक नेगोशिएशन कर लेते हैं, जिसके अंदर आप, मैं इस पेन को यूएस में बेचूंगा आपके माध्यम से, आपका तो मार्केटिंग चैनल बहुत बड़ा है, आपका तो जो फ्रेमवर्क है मार्केटिंग फ्रेमवर्क वो बहुत बड़ा है, एस्टेब्लिश चैनल है आपके, तो आप जब सभी लोगों को पेन बेचते ही हो, आपके पास बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं, तो आप मेरे इस पेन को भी बेच देना, समझ रहे हो क्या, मतलब मैं अब क्या कर रहा हूं, एक ऐसी कंपनी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जहां वहां पे क्या करते हो, पेंसिल बेचने का काम करते हो, बट आप पेन नहीं बनाते, तो मैंने, जबकि पेन और पेंसिल क्या रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो मैंने आपसे बात करी और मैंने आपको यह कहा कि देखो आपके पास एक एस्टेब्लिश मार्केट है, आपके पास मार्केटिंग चैनल्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपके माध्यम से इस पेन को यूएस में बेचूंगा, आपको इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। पहले तो लोग समझते थे कि सिर्फ आप जो क्या करते हो, पेंसिल बेचते हो, लेकिन अब आपके प्रोडक्ट लाइन में पेन भी ऐड हो जाएगा, तो आपको यह बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है कि आपकी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, प्लस मैं आपको कमीशन भी पे करूंगा। मेरे को बेनिफिट क्या है कि मेरे को वहां पर, मेरे को यूएस में आके अपने मार्केटिंग चैनल एस्टेब्लिश करने की नीड नहीं हुई, मेरे को डायरेक्टली बनी बनाई मार्केट जो है वो क्या होगी, अवेलेबल होगी। इसको बोलते हैं पिगी बैकिंग,
क्या बोलते हैं? पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग एक ऐसा मोड है जिसके अंदर एक फर्म जो है वो विदेश में जाएगी, वहां पे जाके काम करेगी और वहां के एग्जिस्टिंग किसी कंपनी के साथ में टाई अप करेगी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करके अपने सामान को उस मार्केट में बेचती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पिगी बैकिंग। तो पिगी बैकिंग के अंदर दो बंदे होंगे, एक होगा राइडर और एक होगा कैरियर। राइडर कौन होगा? जैसे एक एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आप अकेले जो है, आप अकेले जा रहे थे हिसार से, हिसार तो मैं तो हिसार रहता हूं, तो मान लो एक एग्जांपल ऐसे, आप भी हिसार रहते हो, मैं भी हिसार रहता हूं, ठीक है। आप अकेले जो हिमाचल जा रहे थे, अकेले आप हिमाचल घूमने के लिए जा रहे हो और तुम अकेले चल पड़े, तो मैंने आपसे बात करी, मैंने कहा हां जी कहां जा रहे हो? आप बोले हिमाचल जा रहा हूं सर। तो मैंने कहा यार मेरे को भी हिमाचल जाना है। आप बोले अच्छा। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। आप बोले देख लो चल पड़ो। अब अगर मैं आपके साथ हिमाचल चलता तो मेरा, मेरे को बेनिफिट क्या हो गया कि मुझे अब मेरी गाड़ी नहीं लेके जानी पड़ेगी, मैं आपकी गाड़ी के अंदर बैठ गया और मैं आपको साथ में क्या कर दूंगा? तेल के कुछ पैसे दे दूंगा। मेरा तेल वैसे भी लगता, आपका भी लगता। अब मैंने आपसे ये कर लिया, टोटल तेल मान लो हिमाचल जाने का, भाई मान लो फॉर्चूनर में हम चल रहे हैं तो हमारा टोटल तेल एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 15,000 का लगेगा, तो एक काम करो 7.5 मिनट से ले लो। आपको बेनिफिट ये हो गया, पहले 15 सिर्फ आपके लगते, अब आपके लगेंगे कितने? 7.5। मेरे को बेनिफिट ये हो गया कि मेरे को गाड़ी भी नहीं लेके जानी पड़ेगी, मेरा टोल का खर्चा भी बच गया और साथ में जो है मेरे को एक साथ भी मिल गया, ठीक है ना। तो अब इस केस में आपकी गाड़ी है, आपका ही सब कुछ साधन था, तो आप हो गए कैरियर और मैं हो गया राइडर। मैं कौन हो गया? राइडर। उसी तरीके से पिगी बैकिंग के अंदर बेसिकली जो वो क्या होता है, एक कंपनी, मतलब हम, मैं इंडिया का हूं तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूएस के अंदर क्या करूंगा, यूज करूंगा और अपने सामान को वहां पे बेचने का काम करूंगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पिगी बैकिंग। अब पिगी बैकिंग में मैं तो हो गया राइडर क्योंकि मैं राइड कर रहा हूं, मैं आपकी गाड़ी के अंदर बैठा हूं, मैं राइड कर रहा हूं और आप हो गए कैरियर, आप मुझे लेके जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग को हम लोग जो प्यार से कई बार कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? बोलते हैं फर्म मे एक्सपेंड इट्स बिजनेस। कई बार एक फर्म जो है वो अगर चाहे तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है इन द फॉरेन कंट्री। कैसे? बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और नेटवर्क ऑफ द अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज करके हम जो है वो क्या कर सकते हैं? अपने काम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो एक्सपोर्ट करने वाली फर्म है, लाइक मैं अपने सामान को यूएस में बेचूंगा तो मैं एक्सपोर्टर हो गया, मेरे को बोलेंगे राइडर। और जो दूसरी फर्म होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैरियर। क्या बोलेंगे? कैरियर, ठीक है ना। तो बोलते हैं द एक्सपोर्टिंग फर्म इज नोन एज द राइडर एंड द अदर फर्म विद एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द फॉरेन कंट्री और द टारगेट कंट्री इज टर्म्ड एज द करियर। एग्जाम्पल, जैसे अपने इंडिया के अंदर जब फिएट कंपनी आई तो उसने पहले अपने आउटलेट नहीं खोला, उसने पहले टाटा से बात करी और टाटा को बोला कि यार हम ये चाहते हैं इंडिया में अपनी गाड़ियां बेचना, ठीक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि हम आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करें। तो पहले टाटा के शोरूम में फिएट की गाड़ियां भी होती थी, अब तो फिएट चली गई है इंडिया से, ठीक है ना। तो पहले ये था, तो फिएट ने बेसिकली क्या किया, इंडिया में आकर टाटा के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज किया। एक सर्वर कंपनी है बहुत बड़ी, यूरोपियन सर्वर कंपनी है बुल, वो अपने इंडिया में HCL जो है ना, अपने इंडिया की कंपनी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पिगी बैकिंग। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में। पिगी बैकिंग इज जनरली यूज फॉर रिलेटेड। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सामान को जो है वो मतलब फॉरेन के किसी भी सामान को ले लोगे, नहीं। जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे सामान को जो है वो अपने प्रोडक्ट लाइन में यूज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं जो हम हमारी ही फील्ड से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं? पिगी बैकिंग इज जनरली यूज फॉर रिलेटेड बट नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट ऑफ अनरिलेटेड कंपनी। तो ऐसा सामान ऐसा होगा जो रिलेटेड होगा। अब मैं अगर पेंसिल ही बनाता ना तो आप बिल्कुल भी हाँ ना करते, क्यों? क्योंकि वो तो कंपटीशन हो गया, यस और नो? यस। तो पिगी बैकिंग में जनरली क्या होगा, एक फॉर्म तब अलाउ करेगी जब मैं आपकी ही इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं जो कि आपके प्रोडक्ट से कॉम्पिटिटिव नहीं है लेकिन रिलेटेड है, ठीक है ना, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डिस्ट्रीब्यूटर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, जो आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। दूसरा, कैरियर को क्या बेनिफिट है, मतलब आपको क्या बेनिफिट होगा, पिगी बैकिंग ऑफर करेगा क्विक असेस टू द आउटसाइडर प्रोडक्ट, आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे डेट फिल द गैप इन इट्स प्रोडक्ट लाइन। तो पहले आप पेन नहीं बनाते थे, अब आपको अगर पेन अवेलेबल हो जाएगा तो आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो एक्सटेंड भी हो जाएगी। ये हेल्प करेगा करियर को कि आपका जो प्रोडक्ट रेंज है वो अब क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी विदाउट इन्वेस्टिंग इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दूसरा, करियर में बाय द प्रोडक्ट आउटलेट, अब जो आप है वो दो काम कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली मेरे सामान को जो है मुझसे परचेज करके और उसको अपने नाम से आगे बेच लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं
सामान मेरे नाम से ही बिकेगा, लेकिन आपको बीच में क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। तो क्या बोलते हैं, कैरियर में बाय द प्रोडक्ट आउटराइट एंड सेल इट अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम। हालांकि पिगी बैकिंग में जनरली प्रैक्टिस कौन सी चलती है, नीचे वाली। हाउएवर एज ए कॉमन प्रैक्टिस राइडर रिटेन करता है ब्रांड नेम को। अब मैं आपको ये बोलूंगा नहीं, ये मोहित शर्मा के नाम से बिकने दो, ठीक है। आपका मान लो आपका वहां पे एक्स कंपनी के नाम से बिक रहा था, तो मैं बोलूंगा देखो पेंसिल आप एक्स कंपनी के नाम की बेचो। या तो एक ऑप्शन क्या है कि पेंसिल आप पहले एक्स कंपनी के नाम की बेचे थे और मैं अब ये बोलूं आपने मुझसे ये पेन परचेस कर लिया और अब ये इस पेन पे आपने ब्रांडिंग अपनी कर दी, ठीक है, और एक्स पेन के नाम से ये पेन भी जो है वो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। लेकिन दूसरा तरीका एक ये भी है, मैं आपको बोलूंगा कि नहीं देखो नाम मेरा ही चलेगा, बेच आप देना, ठीक है। तो दूसरी तरीका क्या होता है, हाउएवर एज ए कॉमन प्रैक्टिस राइडर रिटेन करता है ब्रांड नेम को एंड द मार्केट प्रमोशन एक्टिविटी इज कैरी आउट विद म्यूचुअल कंसेंट। एग्जांपल जैसे बता दिया मैंने, यूरोपियन ग्लोबल आईटी सप्लायर जो है बुल, वो यूज करता है बेसिकली एससीएल एक्सटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अक्रॉस द कंट्री टू मार्केट इट्स सर्वर इन इंडिया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, पिगी बैकिंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पिगी बैकिंग का यूज करके क्या मुझे अब यूएस में अपनी कंपनी को सेटअप करने की जरूरत है क्या, नहीं। और क्या मेरा सामान अब डायरेक्टली बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा, बिक जाएगा, क्योंकि मैंने दूसरी कंपनी के एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है वो क्या किया है, यूज किया है। ओके जी सर, तो ये दूसरा तरीका था जिसको बोलते पिगी पैकिंग। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रिलेटेड मोड में आता है वो है काउंटर ट्रेड। अब ये काउंटर ट्रेड क्या बोला है, देखो अगर मान लो मैं आपसे सामान सीधा सिर्फ खरीदता रहा और आपको पेमेंट करता रहा, तो वो ट्रेड ना ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि मैं भी अकड़ में रहूंगा कि अरे भाई क्या क्या मतलब है, मतलब मैं तो भाई पैसे देके खरीदा हूं तुमसे सामान, और तुमको ये होएगा कि भाई अगर तुम मेरे से कोई सामान नहीं परचेस कर रहे हो, मुझे सिर्फ सामान तुम बेच बेच रहे हो, तो तुम्हें अकड़ रहेगी थोड़ी सी, तुमको ये रहेगा कि अरे भाई हम तो कौन है, एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, और मैं बेचारा हमेशा पिसता रहूंगा क्योंकि मेरे यहां पे सामान बन नहीं रहा। तो जनरली कई बार क्या होता है, कंपनीज या फिर कंट्री आपस में जो है वो क्या करते हैं, काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि हम तुमसे एक सामान लेंगे और तुम हमसे दूसरा सामान लेना। मतलब जैसे इंडिया ने इराक के साथ में एक एग्रीमेंट किया सन 2000 के अंदर, और ये बोलते हैं कि हम इराक से जो है वो क्या करेंगे, कच्चा तेल बोलते क्रूड ऑयल लेंगे, और इराक को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, वेजिटेबल्स जो है, फूड जो है उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का ट्रेड, ये भी एक मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड कई तरीके का होता है, एक पूरा पूरा मैंने चार्ट बनाया, उस चार्ट के जरिए आपको समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार ये समझना, काउंटर ट्रेड जो है वो एक इस तरीके का एग्रीमेंट है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर दोनों तरफ से जो है वो क्या होगा, कुछ ना कुछ व्यापार होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो क्या करेगी, मतलब सामान बेचेगी, दूसरी पार्टी सिर्फ खरीदेगी, ऐसा नहीं। यहां पे क्या होगा, दोनों तरफ से जो है वो क्या चलेगा, व्यापार चलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, काउंटर ट्रेड। आइए समझते हैं, काउंटर ट्रेड में जनरली जो है वो कैश में जो है वो काम नहीं चलता है, ठीक है ना। जनरली गुड्स के बदले गुड्स, मतलब बार्टर को जनरली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं थोड़ा, काउंटर ट्रेड रेफर टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट। काउंटर ट्रेड में कई सारे ट्रेड अरेंजमेंट आएंगे जिनमें पेमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल कमिटमेंट, जिसमें पेमेंट जो है कैसा होगा, रेसिप्रोकल कमिटमेंट होगा। मैं आपसे कमिट करूंगा कि मैं तुम्हें ये पेन बेचूंगा और आप मुझसे कमिट करेंगे कि मैं आपको पेंसिल बेचूंगा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, काउंटर ट्रेड। पहले वाले में क्या था, पिगी बैकिंग में क्या था, ये एक्सपोर्ट में क्या था, मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, पेन बेच रहा हूं और आप मुझे बदले में क्या करो, पेमेंट करो। लेकिन काउंटर ट्रेड के अंदर जो है वो क्या है, मैं आपको पेन बेच रहा हूं और आप बोले कि सर हम आपसे पेन तभी लेंगे जब आप प्रॉमिस करते हो कि आप हमसे क्या लोगे, पेंसिल लोगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, काउंटर ट्रेड। क्या बोलेंगे, काउंटर ट्रेड। तो क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रेड रेफर टू वेरियस फॉर्म ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट, जहां पे पेमेंट जो होगी वो होगी किसमें, इज इन द फॉर्म ऑफ द रेसिप्रोकल कमिटमेंट फॉर अदर गुड्स और सर्विस रादर देन एन एक्सक्लूसिव कैश ट्रांजेक्शन। आइए, क्यों होता है काउंटर ट्रेड। देखो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है, तो अब वो तो यार बहुत सारा उनके पास में पैसा अवेलेबल है, अब वो कैपिटल गुड्स बनाती हैं और बना के जो LDC है, लीस्ट डेवलप नेशन, जो घटिया फर्नीचर से कंट्रीज हैं, वो उनको जो है वो क्या करती थी, बेचती थी, और उनको बेचकर अब बदले में क्या पेमेंट करना पड़ेगा। अब बेचारी जो LDC है, जो घिसी पिटी कंट्री है, मान लो श्रीलंका टाइप की एक कंट्री है, ठीक है, या मान लीजिए नेपाल है, अब मान लो US ने कोई मशीनरी नेपाल को बेची, अब नेपाल को बेची, अब नेपाल बदले में क्या करेगा भाई, नेपाल को बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। नेपाल के अंदर खुद तो कुछ बनता नहीं है, कोई गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग नेपाल में नहीं होती है। अब इंडिया की बहुत सारी गाड़ियां, महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, ये सब वहां पे नेपाल के अंदर चलती है, अब नेपाल में बनती नहीं है। अब अगर मान लो नेपाल हमसे गाड़ियां खरीदता रहेगा, बदले में हमको पेमेंट किसमें करेगा,
अब बदले में उसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसा करते करते नेपाल के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको हर बात जो है वो क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो नेपाल बेचारा परेशान हो गया और नेपाल ने इंडिया की कंपनी से यह बोला कि देखो जी ऐसा है, हम आपसे गाड़ियां लेते हैं, हम आपसे गाड़ियां लेंगे, लेकिन आप भी हमसे प्रॉमिस करो कि आप भी हमसे कुछ ना कुछ लोगे। इसका मतलब ये हो गया, हम बोले भाई हाँ हम तो आपसे पैसे लेंगे, तो नेपाल वाले बोले कि नहीं सर पैसे नहीं, आप एक काम करो, आप हम आपसे गाड़ी लेंगे, हम स्टील बना सकते हैं, आप एक काम करो हमसे स्टील ले लो, हम कोई कपड़े बना सकते हैं, आप हमसे कपड़े ले लो, हम जो है कुछ खाने पीने का प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप हमसे वो ले लो। तो इससे क्या होगा, जो वो फर्टीचर सी कंट्री है ना, उसकी भी जीडीपी अब ग्रो करेगी। अब उसका जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे, वो अब थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो इंपोर्ट के साथ क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट भी करेगी। तो इस तरीके का अरेंजमेंट को बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, काउंटर ट्रेड। क्या बोलेंगे, काउंटर ट्रेड। आइए समझते हैं काउंटर ट्रेड रेफर। देखो अब एक बंदा ध्यान से सुनना, मान लो आप और आपका फ्रेंड है, ठीक है, अब आप दोनों जाते हो, ठीक है, और आप दोनों जब जा रही थी ना तो मार्केट में आपने गोलगप्पे खाए, और आपकी जो फ्रेंड है वो आपको हमेशा गोलगप्पे खिलाती है, हर बार पैसे वही भरती है। अब ये सही है या जनरली प्रैक्टिस क्या चलती है कि भाई इस बार तूने मेरे को गोलगप्पे खिलाए, अगली बार मैं तेरे को गोलगप्पे खिला दूंगी, आप जन यही तो करते हो ना। तो ये क्या है, काउंटर ट्रेड है। इसमें ना तो दूसरे वाले को ये होएगा कि यार हर बार पैसे मेरे जाते हैं, ना पहले वाले को ये होएगा कि यार हर बार यार मैं इसके पैसे का खा रहा हूं या खा रही हूं, ठीक है ना। तो काउंटर ट्रेड में बेसिकली जो है वो क्या होता है, हम यहां पे जो है एक इस तरीके का एग्रीमेंट करेंगे, एक इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे, जिसमें सामने वाली पार्टी को जब हम सामान बेचेंगे तो सामने वाली पार्टी भी हमको बोलेगी कि आपको भी हमसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बायलेटरल एक एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। इसको बोलते हम लोग क्या, काउंटर ट्रेड। आइए थोड़ा काउंटर ट्रेड के बारे में समझते हैं। काउंटर ट्रेड कंसिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूट एन एस्टिमेट 5-30% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड। पूरे वर्ल्ड ट्रेड के अंदर लगभग 30% जो है ना वो काउंटर ट्रेड ही होता है, ठीक है ना। मतलब हम दूसरे बंदे से अगर सामान लेंगे तो उसको हम कोई सामान बेचेंगे। काउंटर ट्रेड ग्रेटली प्रोलिफरेटेड इन द 1980s। परहैप्स सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो था एलडीसी की डिक्रीजिंग एबिलिटी, कि एलडीसी बेचारी जो है, मतलब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो बेचारी इंपोर्ट ही करती जा रही है और इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसे अब नहीं है, ठीक है, तो वो व्यापार क्या करेंगी, ठीक है ना। तो रीजन क्या था काउंटर ट्रेड का बढ़ने का, तो बोलता है वो था एलडीसी है उनकी डिक्रीजिंग एबिलिटी टू फाइनेंस देयर इंपोर्ट नीड थ्रू बैंक लोन। काउंटर ट्रेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड है ये, एक इसमें गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि वो पे करेगी गुड्स एंड सर्विस से विद समथिंग अदर देन कैश। ये इस तरीके की प्रैक्टिस है विच रिक्वायर ए सेलर एज ए कंडीशन टू सेल। मतलब सेलर जो है वो क्या करेगा, उस सेलर के ऊपर सेलर जो है वो कंडीशन लगाएगा कि मैं आपको सामान बेचूंगा, टू कमिट कॉन्ट्रेक्चुअली टू रेसिप्रोकेट एंड अंडरटेक सर्टेन बिजनेस इनिशिएटिव दैट कंपनसेट एंड बेनिफिट द बायर। कि मैं आपको सामान तो बेचूंगा और साथ में ये भी प्रॉमिस करता हूं कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी भी आपकी कंट्री में करूंगा जिससे बायर को भी जो है वो क्या हो, एडवांटेजेस हो। इन शॉर्ट गुड्स फॉर गुड्स डील इज काउंटर ट्रेड। अनलाइक मॉनिटरी ट्रेड सप्लायर आर रिक्वायर्ड टू टेक कस्टमर प्रोडक्ट फॉर देयर यूज और फॉर रीसेल। तो यहां पे सप्लायर जो है वो क्या करेगा, वो कस्टमर को सामान भी बेचेगा और फिर कस्टमर से भी कोई सामान जो है वो क्या करेगा, परचेज करेगा। इन मोस्ट केसेस देयर आर मल्टीपल डील दैट आर सेपरेट येट रिलेटेड एंड ए कॉन्ट्रैक्ट लिंक दीज सेपरेबल ट्रांजेक्शन। काउंटर ट्रेड में इन्वॉल्व सेवरल प्रोडक्ट। काउंटर ट्रेड में कई सारे प्रोडक्ट आते हैं एंड सच प्रोडक्ट में मूव एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम वाइल इन्वॉल्विंग सर्टेन सेवरल कंट्री। तो मॉनिटरी पेमेंट मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द डील, ठीक है। तीन प्राइमरी रीजन है काउंटर ट्रेड के। सबसे पहला क्या, काउंटर ट्रेड प्रोवाइडेड ट्रेड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। एक तो आपको जो है अब फाइनेंस अवेलेबल हो गया, मतलब अब आपको जो है अगर मैं आपसे ये पेन ले रहा हूं, मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं, तो बदले में आपको पेमेंट के बजाय आप मेरे को पेंसिल बेच सकते हो। तो उससे जो फाइनेंस की जो आपकी नीड थी, अगर मैं आपसे पेंसिल ना लेता तो आपको मुझे बदले में पेमेंट ही करना पड़ता कैश के अंदर, तो वो जो नीड आपकी वो अब क्या हो गई, खत्म हो गई। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहला काउंटर ट्रेड प्रोवाइड करते हैं एक ट्रेड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव to those country that have international debt and liquidity problem. दूसरा counter trade relationship may provide LDC and MNC with access to new market. बिल्कुल सही बात है। अब अगर मान लो हम नेपाल को कुछ बेचेंगे तो नेपाल भी अब हमको क्या बोलेगा, अगर हमने काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया तो हमको नेपाल से भी कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, तो नेपाल की जो इंडस्ट्री है क्या उसका एक्सपोजर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो उसको भी नई नई मार्केट में एंटर करने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। तीसरा काउंटर ट्रेड फिट वेल कंसेप्चुअली विद द रिसर्जेंस ऑफ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी जो है आपस में दोनों देशों की गवर्नमेंट खुश रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों देश की गवर्नमेंट एक दूसरे पर अब क्या हो गई है, डिपेंड हो गई है। एडवांटेज जो है काउंटर ट्रेड क्लस्टर का अराउंड थ्री सब्जेक्ट,
अब क्या क्या फायदा मिलेगा अगर काउंटर ट्रेड होगा तो उससे क्या होगा, एक तो मार्केट एसेस, नेपाल वालों को यह बेनिफिट है कि नेपाल वालों को भी अब इंडिया का मार्केट एसेस मिलेगा। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज, अगर हम नेपाल को सामान बेचते तो नेपाल से पैसा हमारे पास आता था, लेकिन अगर नेपाल वाले भी हमको सामान बेचेंगे तो नेपाल के पास भी फॉरेन करेंसी इंडिया से आएगी। एंड प्राइसिंग, और थोड़ा बहुत प्राइसिंग में भी क्या हो जाएगा, नेगोशिएशन हो जाएगा। काउंटर ट्रेड ऑफर सेवरल एडवांटेज, इट मूव इन्वेंट्री फॉर बोथ ए बायर एंड सेलर। काउंटर ट्रेड के बहुत सारे फायदे हैं, इसमें क्या होगा, इन्वेंट्री मूव होगा बायर्स एंड सेलर दोनों के बीच में। सेलर गेन अदर बेनिफिट टू, अदर देन द टैक्स एडवांटेज, सेलर इज एबल टू सेल द प्रोडक्ट एट द फुल प्राइस एंड कैन कन्वर्ट देयर इन्वेंट्री टू एन अकाउंट रिसीवेबल। द कैश आउट बायर दैट लैक हार्ड करेंसी, और ऐसा बायर जिसके पास बेचारे पे हार्ड करेंसी नहीं थी, वो भी अब एबल हो गया कि वो यूज कर सकते हैं एनी कैश रिसीव फॉर अदर ऑपरेटिंग पर्पस। अब उसको सेलर से जब कैश कुछ मिलेगा तो उसको वो किसी अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है। अब काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट टोटल मिला के 6 तरह के होते हैं। अब उसको समझने के लिए एक पूरा का पूरा मैंने चार्ट बनाया, इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि काउंटर ट्रेड है क्या। तो सबसे पहले ये देखना है, डज द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व रेसिप्रोकल कमिटमेंट। अगर मैंने यूएसए के साथ में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट किया तो सबसे वो काउंटर ट्रेड है या नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या उसमें कोई रेसिप्रोकल कमिटमेंट भी किया। अगर मैंने यूएस से कोई ये पेन बेचने का कमिटमेंट किया है, मैंने ये बोला कि मैं तुमको ये पेन बेचूंगा, तो अब आपको अगर ये देखना हो कि मेरे द्वारा ये जो पेन यूएस में बेचा जा रहा है क्या ये काउंटर ट्रेड है या नहीं है, तो पहले ये देखो कि मैंने पेन बेचने का आपसे निर्णय तो कर लिया, क्या मैंने इसके बदले आपसे कुछ खरीदने का निर्णय किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो ये काउंटर ट्रेड नहीं है, और अगर मैंने ये बोला मैं तुम्हें पेन बेचूंगा बदले में तुमसे पेंसिल लूंगा तो ये काउंटर ट्रेड माना जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डज द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, सबसे पहले आपको ये देखना है कि डज द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व रेसिप्रोकल कमिटमेंट, कि क्या जो ट्रांजेक्शन है उसमें कोई रेसिप्रोकल कमिटमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या है, सिंपल सेल है, वो क्या है, सिंपल सेल है, वो काउंटर ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर उसमें रेसिप्रोकल कमिटमेंट है, अगर जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर रेसिप्रोकल कमिटमेंट है, तो फिर क्या होगा, वो क्या होगी, काउंटर ट्रेड। अब अगर वो काउंटर ट्रेड है तो अब अपने को आगे एक सवाल और करना है, क्या कि क्या उस काउंटर ट्रेड में पैसे का यूज किया गया है या नहीं किया गया। अगर काउंटर ट्रेड में पैसे का यूज नहीं किया गया, जैसे मैंने आपको ये बोला मैं जितने के पेन आपको दूंगा उतने की ही पेंसिल आपसे ले लूंगा, तो यह क्या हो गया, बार्टर, ये क्या हो गया, बार्टर हो गया। तो अब अपने को देखना है, डस द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ मनी, कि क्या ये जो मैंने आपके साथ में, आप यूएस में बैठे हो, मैंने अगर आपके साथ ये जो डील करी है क्या इसके अंदर पैसे का यूज किया गया या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया, सिंपल सा ये एग्रीमेंट हुआ था मैं तुम्हें जितने की पेन बेचूंगा उतने की मैं तुमसे क्या ले लूंगा, पेंसिल लूंगा, दिस इज नोन एज अ बार्टर टाइप, ये क्या हो जाएगा, बार्टर। तो सबसे पहले ये देखना है, डस द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ मनी, क्या ट्रांजेक्शन में मनी का यूज किया गया, यस और नो, अगर यस तो कहानी कुछ और अगर नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, बार्टर। पहले इसी को पूरा करते हैं। अब बार्टर में क्या होगा, अब सबसे पहले ये देखेंगे, डस द ट्रांजेक्शन एक्सटेंड वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, क्या ये जो बार्टर है, ये जो गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज है, गुड्स के बदले सर्विस का एक्सचेंज है, क्या ये लंबे समय तक चलेगा, ये शॉर्टर टाइम स्पैन के लिए। अगर ये शॉर्टर टाइम स्पैन के लिए तो वो है आपका सिंपल बार्टर। तो क्या डज द ट्रांजेक्शन एक्सटेंड ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड, क्या ये जो ट्रांजेक्शन है गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स के बदले सर्विस का, ये जो ट्रांजेक्शन लंबे समय तक चलेगा एंड इन्वॉल्व ए बास्केट ऑफ गुड्स, और क्या इनमें कई सारे गुड्स अवेलेबल है, क्या कई सारे पेंसिल या रबड़ शॉर्पनर ये सब भी है इसमें, बास्केट है, अगर है ऐसा है तो कहानी कुछ और है, उसको बोलेंगे क्लियरिंग अरेंजमेंट, और अगर ऐसा नहीं है सिंगल टाइम में, बस मैंने आपको बोला एक ही बार एग्रीमेंट है, अभी एक बार पेन ले लो और मुझे पेंसिल दे दो, तो ये हो जाएगा क्या, सिंपल बार्टर। तो सबसे पहले क्या देखना है, अगर बार्टर है तो कहानी आगे बढ़ेगी, क्या चेक करो, डज द ट्रांजेक्शन एक्सटेंड ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड एंड इन्वॉल्व ए बास्केट ऑफ गुड्स, अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे क्लियरिंग अरेंजमेंट, और अगर ऐसा नहीं है तो वो हो जाएगा क्या, सिंपल बार्टर। ओके और अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा, क्लियरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब क्लियरिंग अरेंजमेंट है तो अपने को देखना पड़ेगा कि क्या हम दोनों के अंदर कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व्ड है, हम दोनों में क्या कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व्ड है। अगर नहीं है, हम दोनों ही हैं, तो वो है क्लियरिंग अरेंजमेंट। लेकिन अगर थर्ड पार्टी भी है, मैंने आपको यह बोला था कि मैं तुम्हें पेन दूंगा और बदले में तुमसे क्या लूंगा, पेंसिल। अब मुझे मान लो अगर पेंसिल की नीड नहीं है तो मैंने किसी दूसरे पर्सन को बोल दिया कि यार तुम उनसे पेंसिल ले लेना, ये इसको बोलेंगे स्विच ट्रेडिंग। क्या बोलेंगे, स्विच ट्रेडिंग। तो अगर थर्ड पार्टी बार्टर में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है उसको बोलेंगे क्या, स्विच ट्रेडिंग। और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो वो है आपका क्या, क्लियरिंग अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, क्लियरिंग अरेंजमेंट। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले चेक करो कि मेरे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ
क्या उसमें रेसिप्रोकल कमिटमेंट किया गया? अगर नहीं किया गया तो वो नॉर्मल सेल एग्रीमेंट है, अगर किया गया तो वो काउंटर ट्रेड है। अब क्वेश्चन अगला ये आएगा कि क्या इस एग्रीमेंट के अंदर जो काउंटर ट्रेड हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ, क्या उसके अंदर पैसे का यूज किया गया नहीं किया गया? अगर नहीं किया गया तो वो हो जाएगा बार्टर। अब अपने को ये देखना पड़ेगा ये जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ वो सिंगल टाइम का एग्रीमेंट है या लंबे समय तक चलते रहेगा, और उसमें बहुत सारी गुड्स अवेलेबल है। अगर वो सिंगल टाइम का एग्रीमेंट है तो वो हो जाएगा सिंपल बार्टर, लेकिन अगर वो लंबे समय तक चलता रहेगा तो फिर वो है क्लियरिंग अरेंजमेंट। अब कहानी आगे बढ़ेगी, अब अपने को देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें दो ही पार्टी इन्वॉल्व है। अगर दो ही पार्टी इन्वॉल्व है तो हो जाएगा क्लियरिंग अरेंजमेंट, और अगर दो पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी भी है, तो वो हो जाएगा क्या? स्विच ट्रेडिंग। ये सुनो, बार्टर इसका मतलब क्या? गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स के बदले सर्विस। ठीक है, अगर गुड्स के बदले गुड्स और गुड्स के बदले सर्विस लंबे समय तक चलता रहेगा, कंट्री ने डिसाइड कर लिया हाँ हम 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं, हम आपसे गुड्स लेते भी रहेंगे, आपको गुड्स बेचते भी रहेंगे, ठीक है ना, 5 साल का एग्रीमेंट है, बहुत सारी गुड्स के एग्रीमेंट कर लिया, हम आपसे पेन भी ले लेंगे, पेंसिल भी ले लेंगे, हम आपसे जो है मुर्गे भी ले लेंगे, हम आपसे खाने पीने का प्रोडक्ट भी ले लेंगे, हम आपसे चॉकलेट भी ले लेंगे, हम आपसे कुछ सब कुछ ले लेंगे मान लो। ठीक है, तो वो क्या है? अगर वो लंबे समय तक का एग्रीमेंट किया गया तो फिर वो क्या है? वो है आपका क्लियरिंग अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन ये है, क्या इस क्लियरिंग अरेंजमेंट के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? अगर नहीं है तो वो है नॉर्मल क्लियरिंग अरेंजमेंट, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो वो हो जाएगा क्या? स्विच ट्रेडिंग। यस और नो? यस। बाकी इसको आगे अभी और भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा, क्या हमारी ट्रांजेक्शन में पैसे का यूज किया गया? अगर नहीं है तो बार्टर हो गया, अगर किया गया तो फिर रेसिप्रोकल। अब देखना पड़ेगा कि जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया, रेसिप्रोकल कमिटमेंट, क्या वो रेसिप्रोकल कमिटमेंट जो है वो रिलेटेड है ओनली परचेज ऑफ गुड्स से या नहीं है? अगर वो परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं है तो वो है ऑफसेटिंग, उसको क्या बोलते हैं? ऑफसेटिंग। लेकिन अगर मान लो जो रेसिप्रोकल कमिटमेंट है वो लिमिटेड है परचेज ऑफ गुड्स से, तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी। अब मैंने आपको जो है वो क्या दिया? ये पेन दिया मैंने आपको, ये पेन प्रोवाइड करवा दिया। यस, अब अगर मैंने आपको ये बोला कि मैं आपसे पता कौन सा गुड्स लूंगा, ध्यान देना क्या क्वेश्चन क्या था, कि जो रेसिप्रोकल कमिटमेंट हुआ वो लिमिटेड है परचेज ऑफ गुड्स से, इसका मतलब मैं आपसे कुछ ना कुछ गुड्स तो लेने वाला हूं, ठीक है ना, मैं आपसे कुछ ना कुछ गुड्स तो लेने वाला हूं। ठीक है, अगर ऐसा है, रेसिप्रोकल कमिटमेंट लिमिटेड है परचेज ऑफ गुड्स से, तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी। क्या मैं अगर आपको यह बोलता हूं कि मैंने आपको यह कैपिटल गुड्स, मान लो ये पेन नहीं है, कोई कैपिटल गुड्स है, मैंने आपको ये कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करवा दी, और मैं बदले में इस कैपिटल गुड्स से बने हुए सामान को आपसे लूंगा, तो वो हो जाएगा क्या? बायबैक। वो क्या हो जाएगा? बायबैक। और अगर ऐसा नहीं है तो वो होगा क्या? काउंटर परचेज। पढ़ते हैं एक बार, रेसिप्रोकल कमिटमेंट अगर लिमिटेड है ओनली परचेज ऑफ गुड्स से, लिमिटेड है, तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी, या तो वो होगा बायबैक या फिर क्या होगा? काउंटर परचेज। अब कब बायबैक बोलेंगे, कब काउंटर परचेज बोलेंगे, उसकी बात आती है। सबसे पहला आर, जैसे मान लो मैंने आपको बर्गर बनाने की मशीन दे दी, ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है, बर्गर बनाने की मशीन दी और बदले मैंने बोला कि हाँ मैं आपसे कुछ ना गुड्स भी वापिस लूंगा, ठीक है, मैंने आपको अभी कैपिटल गुड्स दे दिया बर्गर बनाने की मशीन, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं बदले में कुछ ना कुछ गुड्स लूंगा। अब बदले में अगर मैं आपसे जो है वो मान लो पेस्ट्री बनाने की मशीन ले रहा हूं, तो वो हो जाएगा काउंटर परचेज। लेकिन अगर बदले में मैं आपसे पेस्ट्री बनाने की मशीन ले रहा, मैंने ये बोला बर्गर बनाने की मशीन मैंने आपको दे दी, और इस बर्गर बनाने की मशीन से जो आप बर्गर बनाओगे वो मैं आपसे लूंगा, वो हो जाएगा क्या? बायबैक। उसको बोलेंगे क्या? बायबैक। क्या लिखा हुआ है? आर द गुड्स टेकन बैक बाय द एक्सपोर्टर, मैं एक्सपोर्टर हूं ना, तो मैंने आपको जो है वो बर्गर बनाने की मशीन दी, तो क्या बोल रहा है? आर द गुड्स टेकन बैक बाय एक्सपोर्टर, मैं जो अब आपसे गुड्स वापस लूंगा, द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड, वो क्या होंगी? क्या वो जो इक्विपमेंट मैंने आपको बेचा, क्या उसका आउटपुट है? क्या बर्गर बनाने की मशीन मैंने आपको बेची तो बदले में उससे आपने क्या बनाया? बर्गर बनाया। तो क्या अगर मैं आपसे बर्गर वापस ले रहा हूं तो वो हो जाएगा बायबैक, और अगर मैं आपसे बर्गर वापस नहीं ले रहा, कुछ और चीज वापस ले रहा हूं, तो वो हो जाएगा क्या? काउंटर परचेज। क्या बोलेंगे? काउंटर परचेज। अब एक एक करके पढ़ते हैं और भी समझ में आएगा। आओ, सबसे पहले नंबर पे आ गया बार्टर। बार्टर क्या होता है? बार्टर एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी मनी वैल्यूएशन नहीं होगा। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये पेन दूंगा, 1000 पेन दूंगा, बदले में 1000 पेंसिल लूंगा, कोई मनी वैल्यूएशन नहीं है। ये पेन कितने का है, पेंसिल कितने की, कोई वैल्यूएशन नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में कोई भी मनी वैल्यूएशन नहीं होगा, वन टाइम पे, एक ही टाइम पे डायरेक्ट और साइमल्टेनियस एक्सचेंज होगा किसका? प्रोडक्ट का ऑफ द इक्वल वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वैल्यू एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दो ट्रांजेक्शन होंगे एट द सेम टाइम। एक ट्रांजेक्शन ये है जिसमें मैं आपको पेन दे रहा हूं, दूसरी ट्रांजेक्शन में आपसे मैं पेंसिल ले रहा हूं, इसको बोलते हैं क्या? बार्टर। बार्टर में कोई भी मनी वैल्यूएशन नहीं होता है। दूसरा काउंटर परचेज। काउंटर परचेज जो है वो क्या होता है? काउंटर परचेज में मैंने आपको जो है वो क्या किया? गुड्स सेल किया, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपसे गुड्स वापस भी लूंगा। कौन सी लूंगा?
कोई और, जो मैं आपको गुड्स इक्विपमेंट जो मैंने आपको दिया उससे बना हुआ प्रोडक्ट नहीं लूंगा, कोई और गुड्स ले लूंगा। मैंने आपको बोला कि मैं आपको बर्गर बनाने की मशीन दूंगा और बदले में आपसे पेस्ट्री बनाने वाली मशीन ले लूंगा, दिस इज नोन एज अ काउंटर परचेस। क्या बोलेंगे? काउंटर परचेस। तो काउंटर परचेस, इसको पैरेलल बार्टर भी बोलते हैं इसमें, लेकिन मनी वैल्यूएशन होती है। इसमें क्या होगा? मनी वैल्यूएशन होगा। इसमें हम क्या करेंगे? सेल करेंगे और फिर प्रॉमिस करेंगे। पहले मैंने आपको अपने बर्गर बनाने की मशीन बेच दी और आपसे प्रॉमिस लिया, क्या आपको प्रॉमिस भी कर दिया कि मैं अब आपसे फ्यूचर में गुड्स परचेस करूंगा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कंपनी। तो यहां पे दो डिफरेंट टाइम की ट्रांजेक्शन की गई। एक ट्रांजेक्शन अभी हुई है जिसमें मैंने आपको बर्गर बनाने की मशीन बेच दी, और दूसरी ट्रांजेक्शन होगी फ्यूचर में जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया कि मैं फ्यूचर में आपसे पेस्ट्री बनाने की मशीन आपसे क्या करूंगा? परचेस करूंगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है, ब्राजील जो है वो बेसिकली जो है वो क्या करता था, ब्राजील हैज लॉन्ग बीन एक्सपोर्टिंग व्हीकल, स्टील एंड फार्म प्रोडक्ट टू ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ब्राजील बेसिकली जो है वो क्या करता है, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं लाइक इराक हो गया, ओमान हो गया, तो ये उनको जो है वो क्या व्हीकल बेचता है, स्टील बेचता है और फार्म प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना, ये सब बेचता है, दूध दही ये सब, ठीक है, और बदले में उनसे जो है वो क्या करता है, बदले में तेल लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग, हम क्या, काउंटर परचेस। तो काउंटर परचेस में हम जो है वो क्या करेंगे, मैं आपको एक गुड्स दूंगा और बदले में आपसे प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपके कोई दूसरी गुड्स ले लूंगा, उसको बोलते हैं काउंटर परचेस। एक होता है कंपनसेशन ट्रेड जिसको बोलता है बायबैक। बायबैक में मैं आपको क्या करूंगा, एक कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करूंगा और आपसे प्रॉमिस करूंगा कि मैं बदले में इस कैपिटल गुड्स से बना हुआ जो आउटपुट है वो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपनसेशन ट्रेड। तो कंपनसेशन ट्रेड जो है वो क्या, यहां पे हम कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करेंगे लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये टेक्नोलॉजी या सर्विस, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और रिटर्न में बाय करेंगे प्रोडक्ट मेड फ्रॉम दिस कैपिटल गुड्स। इस मशीन से बने हुए प्रोडक्ट को वापस आपसे जो है वो क्या करेंगे, परचेस करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपनसेशन ट्रेड। फिर एक होता है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग क्या है, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वड है, मैंने आपको बताया अभी। तो इसमें एक ऐसी प्रैक्टिस है इन विच वन कंपनी सेल टू अनदर इट्स ओब्लिगेशन। मैंने आपको पहले ये पेन बेच दिया, अब मैंने आपसे ओब्ली मेरी अब आप, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे पेंसिल परचेज करूंगा, अब आपने मुझे पेंसिल बेचनी है, यस, लेकिन मैंने वो अब क्या वो मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने आपसे पेंसिल लेनी है, यस, मैंने मेरी ओब्लिगेशन किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया कि यार मैंने उनसे पेंसिल लेनी है, तुम एक काम करो, तुम्हें पेंसिल की नीड है, तुम उनसे जाके पेंसिल ले लो, दिस इज नोन एज द स्विच ट्रेडिंग। इसमें थर्ड पार्टी जो है वो क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। तो क्या ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक कंपनी सेल करेगी अनदर कंपनी को अपनी ओब्लिगेशन, अपनी लाइबिलिटी बेच देगी टू मेक ए परचेज इन ए गिवन कंट्री, मतलब थर्ड पार्टी बाय करेगा अनवॉन्टेड गुड्स फ्रॉम इट द इंपोर्टर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्विच ट्रेडिंग। एक होता है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग जनरली इसमें क्या होगा, इंपोर्टर मेक करेगा पार्शियल पेमेंट इन हार्ड करेंसी में और एक्सपोर्टर ये प्रॉमिस करेगा कि बाकी के बदले में मैं आपसे कुछ गुड्स क्या कर लूंगा, परचेस करूंगा, इसको बोलते हैं ऑफसेटिंग। तो यहां पे अंडर दिस इंपोर्टर जो है, मान लो उसने 100 करोड़ का सामान जो है वो क्या किया, इंपोर्ट किया, तो उसके बदले में 70 करोड़ की तो वो क्या कर देगा, हार्ड पेमेंट कर देगा, और फिर एक्सपोर्टर ये बोलेगा कि बाकी के 30 करोड़ एक काम करना, मुझे पेमेंट मत करो, मैं आपसे क्या ले लूंगा, कुछ गुड्स ले लूंगा, उसको बोलते हैं ऑफसेट करना। अंडर दिस द इंपोर्टर मेक पार्शियल पेमेंट इन द हार्ड करेंसी, और इनके अलावा एक्सपोर्टर प्रॉमिस करेगा कि वो सोर्स करेगा इनपुट फ्रॉम द इंपोर्टिंग कंट्री एंड ऑल्सो मेक इन्वेस्टमेंट टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स। तो इसमें क्या होगा कि हमने 70 करोड़ तो कैश ले लिया और बदले में 30 करोड़ के हमने आपसे क्या ले लिया, कुछ सामान ले लिया, इसको बोलते हैं ऑफसेटिंग। और एक होता है कौन सा, क्लियरिंग अरेंजमेंट। क्लियरिंग अरेंजमेंट क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे गुड्स या सर्विस एक्सटेंड ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चलता रहेगा एक अरेंजमेंट। इसमें गवर्नमेंट जो होती है ना इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री की, वो एंटर होती है एक एग्रीमेंट में, और गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम आपसे परचेस करेंगे गुड्स एंड सर्विस ओवर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक हम आपसे गुड्स लेते भी रहेंगे और आपको गुड्स बेचते भी रहेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लियरिंग अरेंजमेंट। ये सब जो है वो पार्ट है किसके, काउंटर ट्रेड के। ओके जी सर। और जो आखिरी तरीका है ट्रेड रिलेटेड मोड का, वो है आपका ई कॉमर्स, जिसके अंदर जनरली कंपनीज जो है वो क्या करते हैं, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, इसका सहारा लेके जो है अपने सामान को दूसरे नेशन में बेचने का काम करती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ई कॉमर्स। ये आज की डेट में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो यही है बेसिकली। तो ट्रेड रिलेटेड मोड जो है वो टोटल मिला के कितने हैं, 4, जिनके अंदर कुछ तरीके का क्या होता है, ट्रेड होता है। सबसे पहला पढ़ा हमने एक्सपोर्ट, जो कि बेसिकली 2 तरीके का था, एक था डायरेक्ट एक था इनडायरेक्ट। दूसरा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा पिगी बैकिंग, जिसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट बोलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा काउंटर ट्रेड, जो कि टोटल मिला के हमने पढ़े 6 तरह के। और आखिरी जो है वो है आपका कौन सा, ई कॉमर्स। ओके जी सर।
चलो ये थे हमारे मोड्स ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने के ये सब मोड है, जिसमें एक है आपका ट्रेड रिलेटेड, एक है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल और एक है कौन सा इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला था ट्रेड रिलेटेड, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल मोड्स के बारे में। ओके, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट करना, कोई कमी लगी वो भी बताइएगा। और बाकी ये जो चार्ट है, ये वाला ये चार्ट मैं आपको जो है वो भेज दूंगा, ठीक है ना। ये जो चार्ट है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप वाला वो पंगा चल रहा है, वो कल तक सारा का सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पेड ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, मतलब जिन्होंने हमसे कोर्स बाय किया हुआ जून के लिए या आगे के लिए, तो उनको हम टेलीग्राम ग्रुप में कल इवनिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी नई ऐप वाला जिसमें डाउनलोडिंग का फीचर है, वो भी अपना जर्नली मतलब कमिंग वीक के अंदर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो खैर, अभी के लिए एक बार ये वाला टॉपिक आप निपटाओ, और जो कॉन्टेक्चुअल मोड्स हैं वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।